Vighnaharta Shri Ganesha, Shri Ganesha, Shri Ganesha. देवलोक में प्रवेश करने का प्रयास किया तो वो तुम्हें वहीं भेज देंगे जहां से तुम आई हो। नहीं, नहीं, ये मेरे साथ कदापि नहीं हो सकता। यदि देवलोक में सच्चाई है, यदि देवलोक के देवता मेरे पतिव धर्म की सच्चाई को देख सकते हैं, तो फिर वो मुझे उचित मार्गदर्शन अवश्य दिखाएंगे, अवश्य दिखाएंगे। नारायण, नारायण। हट करने से असंभव संभव नहीं हो जाता। वो देवलोक कदापि पार नहीं कर सकेगी। ये कैसी ध्वनि है? फिर से ये कैसे संभव हो गया? नारायण, नारायण। माँ, अपना त्रिशूल भेजकर पुत्री की सहायता करने के लिए आपको अनेकों धन्यवाद माँ। नहीं देवर्षि, ये त्रिशूल मेरी शक्ति से उत्पन्न नहीं हुआ है। पतिव धर्म की शक्ति कितनी असीम होती है, इसका अनुमान तो आपको देवी अनुसुईया, देवी अरुंधति और देवी सुमति के उदाहरणों से ज्ञात हो ही गया होगा। ये वही असीम शक्ति है जो किसी भी देवता, यहाँ तक कि त्रिदेवों की शक्ति से भी अधिक है। ये स्वयं सावित्री के पतिव धर्म की ही शक्ति है जो वहाँ त्रिशूल बनकर प्रकट हुई। तो फिर उसे भला देवलोक को पार करने से कौन रोक सकता था? नारायण, नारायण। देवी, आपके निश्चय की दृढ़ता सराहनीय है, किंतु आपकी इस यात्रा का परिणाम आपकी सफलता नहीं होगी। यज्ञदेव, परिणाम की चिंता तो वो करते हैं जो कर्म से अधिक उसके फल के बारे में सोचते हैं। वर्तमान के प्रयासों से अधिक भविष्य के सुख के बारे में सोचते हैं। और कर्म करते समय साहस का त्याग नहीं करना चाहिए। और जिसके सत्पुरुष स्वयं आप हो तो उसका साहस तो और बढ़ जाता है। तुम्हारे इस सरल सहज ज्ञान से मैं बहुत प्रभावित हूँ पुत्री, किंतु ज्ञात रहे ये कर्म जो तुम कर रही हो उसका परिणाम तुम्हारी असफलता ही नहीं अपितु संकट भरा भी है। इसीलिए मैं तुम्हें अभी भी कह रहा हूँ, और आगे बढ़ने का प्रयत्न मत करो, लौट जाओ अपने स्थान पर। अब मुझे अपने स्थान से लौट जाने का सुझाव दे रहे हैं यमदेव, तो फिर ये भी तो बताइए कि मेरा स्थान है कहाँ? क्योंकि एक पति का स्थान तो वही होता है जहाँ उसका पति होता है। तो फिर आप जहाँ मेरे पति को लेकर जा रहे हैं, मेरा स्थान भी वही है यमराज। अपने ज्ञान, अपनी वाणी, अपने सार गर्भित वचनों से और अपने पति के प्रति अटूट निष्ठा से तुमने पुनः मुझे प्रभावित किया है, किंतु दुर्भाग्यवश मैं तुम्हारे पति को तुम्हें फिर से लौटा नहीं सकता। तो सत्यवान के प्राण के स्थान पर जो चाहती हो मांग लो। जब मुनि रुरु संसार के सामने देवी सावित्री के समान प्रेम का, देवी अरुंधति के समान निष्ठा का और देवी सुमति के समान दृढ़ निश्चय का महान उदाहरण प्रस्तुत करने वाले थे, मेरी यही अभिलाषा है कि आपका यह दमकता मुखमंडल मेरे जीवन में सूर्य की ऊर्जा और चंद्रमा की शीतलता लेकर आए। अब यह हमारा संबंध जन जन्मांतर का संबंध बन जाएगा।
नहीं, ये संभव नहीं है। देवी, देवी, ये क्या हो गया देवी आपको? देवी नहीं, देवी नहीं। प्रिय, प्रिय, प्रिय क्या हो गया प्रिय? ये क्या हो गया आपको? प्रिय, 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 हम अभी आते हैं। कोई है? कोई तो सहायता करो। स्वामी, स्वामी, स्वामी। प्रिय, 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 प्रिय ब्रह्मा द्वारा हमारे सुख पर ये दुर्भाग्य की कैसी काली छाया पड़ गई है? ये क्या हो गया आपको देवी? हमारा साथ इतने अल्प समय का नहीं हो सकता। ये पीड़ा मेरे लिए असहनीय है। जहाँ आप जाएंगी मैं भी वहीं जाऊंगा। नहीं मुनिवर, ये अनुचित है। होता वही है जो जो प्रभु की इच्छा होती है। जीवन तो हमारे पूर्व कर्मों का फल होता है। आप इसे कैसे टुकरा सकते हैं? आप जैसा तपस्वी कैसे निराश हो सकता है? और कैसे हाथ घात करने का सोच सकता है? नहीं मुनिवर, आप ऐसा नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। मेरे जीवन की आशा निराशा बन जाए, जीवन मृत्यु बन जाए, अब मेरे इस जीवन का भी कोई लाभ नहीं। अब तो मुझे भी मृत्यु आ जाए। नहीं प्रिय नहीं। यदि एक दिन के लिए भी मैं आपकी अर्धांगिनी का धर्म निभा सकी तो मेरा भाग्य उदय हो जाएगा, जीवन सफल हो जाएगा। आप जैसा तपस्वी कैसे निराश हो सकता है? तुमने उचित कहा देवी, मैं इतना निराश कैसे हो सकता हूँ? यदि एक तपस्वी का तप व्यर्थ जाए तो यह उसके तप का अपमान है। मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.